अब आपको ले चलते हैं कैसे गांव में जहां 80% से ज्यादा मुस्लिम हैं, लेकिन इस गांव की जो विजयदशमी का त्योहार है, यहां का दशहरा है, वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। गाजियाबाद से करीब 20 किलोमीटर दूर छोलस गांव में दशहरे की तैयारी। 9000 की आबादी वाले इस गांव में 80% मुसलमान हैं। एक तरफ राम की झांकी निकालने की तैयारी तो दूसरी तरफ मुसलमानों की मजलिस। इसके बावजूद यहां ना तो पुलिस का भारी बंदोबस्त है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद दिखा। दोनों समुदायों ने आपस में बात की और राम जुलूस चल पड़ा। मजलिस का समय बदल दिया गया। मजलिस सुनने जा रहे काले कपड़े पहने लोग राम जुलूस के स्वागत के लिए खड़े हुए, उन्हें पानी और शरबत पिलाया। मेरे साथ में मौलाना इरफान साहब हैं और विनोद शर्मा जी हैं, जो कि रामलीला कमेटी के यहाँ के अध्यक्ष हैं। हम दोनों लोगों से बात करेंगे कि आखिर गांव में जो ये परंपरा है, ये कितने साल पुरानी परंपरा है और आखिर अभी तक इस परंपरा में कट्टरवादी लोग सेंध क्यों नहीं लगा पाए, ये सवाल हम पूछेंगे। पूरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबके सब शिया समुदाय के लोग रामलीला वालों के साथ में कांधा बकांधा मिलाकर चल रहे हैं और बताना चाहते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे। आखिर ये संभव कैसे हुआ? ये आपसी भाईचारा है और आपसी जो है हमारा इतना कोऑपरेशन है एक दूसरे से और मेल मोहब्बत है कि हमें कभी आज 40-45 साल हो गए रामलीला कराते, कभी हमें कभी दिक्कत नहीं हुई किसी तरह की। ये मिसाल है और जब भी हम निकलते हैं यहाँ से ये स्वागत भी करते हैं और हमारी रामलीला में चंदा देकर हमारा सहयोग भी करते हैं और हमेशा पिछले 40-45 साल से हम देखते आ रहे हैं, कभी एक दूसरे के टकराव की कभी नौबत आई नहीं। राम जुलूस मुस्लिम आबादी वाली संकरी गलियों से गुजरता रहा, मस्जिद के सामने से गुजरा, हर जगह मुसलमान नाचते गाते भक्तों का उत्साह बढ़ाते रहे। गांव वालों ने बताया कि पिछले साल भी एक ही दिन मुहर्रम का जुलूस और राम झांकी निकाली गई थी। कभी भी यहां आएंगे इस तरह का ही ट्रैक्टर उन्होंने दे रखा है। हाँ हाँ, ट्रैक्टर भी है और जगह जगह जलपान की व्यवस्था की है और एक दूसरे से इस तरह से मिलते हैं कि यहाँ के ऐसे लगता ही नहीं है कि दो संप्रदाय रह रहे हैं, एक ही हो जाते हैं इसे देखते से। ऐसा ही तो हिंदुस्तान हम चाहते हैं देखें। आज तक मिसाल है ये गांव पूरे हिंदुस्तान के लिए कि किस तरह से हिंदू मुसलमान आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ आना जाना, हमारे जुलूसों में ये पूरा सहयोग करते हैं। पिछले साल हमारा और रामलीला का जुलूस बिल्कुल एक डेट में पड़ा था तो इन्होंने इस तरीके से जुलूस निकाल दिया कि लोगों को पता भी नहीं चला कि जुलूस निकल रहा है। राम झांकी निकलने के आधे घंटे बाद मजलिस शुरू हो गई। राम झांकी का स्वागत करने वाले लोग अब मस्जिद में बैठकर मजलिस सुन रहे हैं। ऐसे ही आपसी समझदारी के चलते बीते 60 सालों से लोग भाईचारे से त्योहार मनाते आ रहे हैं। यहाँ ना तो कोई बड़ा नेता आया है और ना कोई अभिनेता है, अभी इस रावण के पुतले का भी दहन नहीं किया गया है, लेकिन इस गांव के लोगों ने धार्मिक कट्टरता को जरूर अपने गांव से जलाकर राख कर दिया है और इसी संदेश को देश दुनिया के हर कोने में पहुंचाने की जरूरत है। दादरी से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।